हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं इंदिरा शर्मा रसोई मामी की मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके पास बेल आइकन बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। जय श्री कृष्ण। आज हम जन्माष्टमी पे जो कृष्ण भगवान को भोग लगता है पंजीरी का, तो वो बनाएंगे। तो ये किस तरह बनाते हैं बताती हूँ। ये पहले मैंने एक नारियल है, गोला होता है, जो आधा मैंने क्रश कर लिया है मिक्सी में, मिक्सी के ग्राइंडर में आधा मैंने क्रश कर लिया है, तो अच्छी तरह ग्राइंड हो गया। ये आधा गोला ही लिया मैंने, और उसके अलावा ये शक्कर है पौन बॉल के करीब, पौन बॉल मैंने धनिया लिया है पिसा हुआ, और ये चिरौंजी है, और ये खरबूजे के बीज हैं। ये सारे ड्राई फ्रूट बता रही हूँ। ये खरबूजे के बीज चम्मच में लेके बताए मैंने आपको, और ये इलायची है जो मैंने शक्कर के साथ पीसी हुई है मिक्सी के ग्राइंडर जार में। उससे क्या है, अच्छी तरह बारीक हो जाती है, शक्कर के साथ पीसने से बारीक हो जाती है। और ये बादाम है, और ये काजू है। काजू को मैंने पहले ही थोड़ा सा फ्राई कर रखा है वैसे। और ये किशमिश है, तो मैंने देसी घी लिया है करीब 2 बड़े चम्मच है, और ये देसी घी में ही पंजीरी बनती है, और बहुत टेस्टी होती है। तो पहले मैं किशमिश को, हल्का गर्म हो गया है घी, तो किशमिश डालेंगे सबसे पहले, क्योंकि हीट इसको कम चाहिए होती है पहले। बस थोड़ा सा हिला के और फिर इसको निकाल देंगे। बहुत हल्का गर्म है घी, तेज नहीं करना है, नहीं तो सब जल जाती है। और ये काजू मैंने थोड़े से फ्राई पहले किए हुए थे, थोड़े मैं अभी वापस कर लूँगी, और ये बादाम डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए। इसको भी हम जल्दी से निकाल लेंगे, नहीं तो जल जाती है, तो सारे में टेस्ट ख़राब हो जाता है। और ये मैंने चिरौंजी भी डाल दी है, और खरबूजे के बीज भी डाल दिए हैं। इनको भी हल्की आंच में मैं फ्राई करूँगी। तो सब ड्राई फ्रूट मैंने फ्राई कर लिए, अब मैं ये पंजीरी के लिए डाल रही हूँ धनिया। धनिया को मैंने छान लिया है अच्छी तरह से, ताकि मोटा मोटा जल्दी में रह जाए, और इस तरह से देसी घी में थोड़ा सा हल्की आँच में फ्राई करेंगे। और इसी के अंदर मैं ये नारियल जो मैंने ग्रेट करा था, ग्राइंडर जार में ग्राइंड करा था, वो डाल दिया, और ये शक्कर, पीसी हुई शक्कर है, ये भी डाल दी, और ये इलायची है जो मैंने पीस रखी है शक्कर के साथ, वो भी डाल दी। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा प्रसाद। और इसे धीरे आंच में ही हमको भूनना है, तेज आंच बिल्कुल भी नहीं करनी है। गैस बंद कर दी है मैंने, और इसे अब हम ठंडा कर देंगे। तो सारे ये मिक्सचर को मैं परात के अंदर खाली कर रही हूँ।
और ये जन्माष्टमी पे पंजीरी बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी भी लगती है। इसमें ड्राई फ्रूट और शुगर वगैरह आप अपने टेस्ट के हिसाब से और भी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए, जो धनिया अभी फ्राई किया था उसके अंदर। अब इसको थोड़ा अच्छी तरह ठंडा हो गया है मिक्सर, थोड़ा ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गर्म रहे तो अच्छा लगेगा। ताकि सब मिक्सचर मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से। ये देखिए कितनी अच्छी पंजीरी बनी है फ्रेंड्स, तो आप भी इसी तरह से बनाएंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।